हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन पिक्स HYD यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे पास एक फोन है Redmi 7A, जिसका EMMC जो कि डेड हो चुका है। एक फोन मार्केट से आया है जिसके अंदर EMMC निकला हुआ है, MMC है नहीं इसके अंदर। और ये MMC इसके अंदर चेंज कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास रिपेयर करना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि एक फोन पूरा खुला हुआ है। ये हमारा एक Redmi 7A का मॉडल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑलरेडी किसी ने MMC इसका निकाल के फेंक दिया है, जिसके अंदर इसका MMC हो सकता है डेड होगा, कोई माइक्रोन का लगा होगा या MMC स्कैनिक्स होगा जो कि इसका डेड हो चुका है। तो इसके अंदर EMMC नहीं लगा हुआ है, ये डायरेक्टली पोर्ट बना रहा है जो कि कॉलकॉम का CPU यहाँ पे लगा हुआ है, कॉलकॉम का इसका डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है। तो इसके अंदर हमने इसका कॉम्पेटिबल EMMC ले चुके हैं हम ऑलरेडी। मैं आपको यहाँ पे EMMC बता देता हूँ, सैमसंग का EMMC हमने इसका कॉम्पेटिबल ले लिया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में, आप देख सकते हैं SEC B809 जो कि यहाँ पे उसका नंबर है और इसका ये पार्ट नंबर होता है EMMC का। ये पार्ट नंबर हमें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू से लेना होता है, जिसमें हमें कंपेटेबल नंबर मालूम पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक सैमसंग का EMMC ले चुका हूँ, जो कि 4/64 का स्टोरेज है और ये सब कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया। ये हमें ऑलरेडी कंपेटेबल ले लिया हुई है। तो मैं आपको फिर भी इस पर एक स्क्रैच करके दिखा लेता हूँ कि आपको बिठाने के बाद भी मैं आपको एक बता दूंगा प्रूफली। वहाँ पे दे एक बार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे MMC है आपको दिख रही है, मैं आपको यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं टी बना देता हूँ जो कि मेरे नाम से है, तो मैं यहाँ पे टी बना दिया। तो ये एक मार्क आपको देख सकते हैं, एक बार कोड के नीचे यहाँ पे एक टी बना दिया। तो ये MMC मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा लाइव किस तरह करते हैं इसका फोन, और साथ ही साथ इसके अंदर EMMC चेंज के साथ ड्यूअल सिक्योरिटी भी रिपेयर करके दिखाऊंगा, जो कि कोई मार्केट में इसका कोई नहीं कर पाया है और ये हमारे पास फर्स्ट है यूट्यूब पे, जो कि इसका ड्यूअल सिक्योरिटी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रोसेस होगा वो हम नहीं बताएंगे ड्यूअल सिक्योरिटी का, किस तरह रिपेयर करते हैं, ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए होता है जो हम यहाँ पे बता देते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो अभी हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, फोन पिक्स HYD, जो नीचे दिए गए नंबर है आप उस पर कॉल करके उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। तो आपको मैं सिर्फ यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, जो कि हमारा पूरा फुल सॉल्यूशन हम स्टूडेंट को ही देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे MMC में। तो जैसे कि ये MMC मैं आपको देख सकते हैं आप, इसको मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ यहाँ पे UEFI बॉक्स में। आप सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बॉक्स में बताता हूँ कि ये MMC में क्या क्या है। इसमें ऑलरेडी RPM भी इसका क्लीन किया हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारी MMC डिटेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं RPM भी 4 MB का साइज है और इसका ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम, मतलब इसका RPM भी ऑलरेडी क्लीन है और ये MMC पूरा ब्लैंक हो, पूरी ब्लैंक है। तो इसके अंदर सिंपली हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, सिंपली इसका खाली EXT जो हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिपेयर कर लेंगे कॉलकॉम का। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम कॉलकॉम को सेलेक्ट करके इसका सिर्फ बूट कॉन्फ़िगरेशन को रिपेयर कर लेंगे और हम इसको MMC को फिक्स कर देंगे बोर्ड में और USB से हम इसका पूरा काम कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका ये बूट कॉन्फ़िगरेशन रिपेयर कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0 to 38 आ चुका है कॉलकॉम का। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे स्टोरेज भी आपको दिखा रहा है 58 GB जो है हमारा, 64 GB का स्टोरेज है। हम ये IC लगा रहे हैं, अब यहाँ पे हम ये IC निकाल के फ़ोन में हम डायरेक्ट बोर्ड में लगा लेंगे और ये सारे चीज़ें हम USB से UMT से फ्लैशिंग करेंगे इसका। तो सबसे पहले MMC बिठा लेंगे हम इसके, ठीक है। तो यहाँ पे MMC लगा लेंगे, तो आप देख सकते हैं मैं वही MMC लगा रहा हूँ जो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है T नाम से, और यहाँ पे कोई वीडियो स्किप नहीं किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पे RPM भी क्लीन वाली MMC लगा रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि आपको यकीन आ जाए कि यहाँ पे ये MMC कोई और लगा रहे हैं या वही लगा रहे हैं सेम टू सेम। तो पहले मैं आपको मार्क करके फिर आपको इसका मैंने RPM भी दिखाया है कि इसके अंदर क्लीन है या प्रोग्राम है।
तो अब यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे। अब उससे पहले क्या है, एक सीपीयू के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन रहता है हमें, जिसका सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का एरर आता है, वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ उसका काम। मैं सिंपली आगे आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आगे का काम पूरा नेक्स्ट क्या करना है। तो जो सीपीयू के अंदर मॉडिफिकेशन होता है वो भी हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे आपको। इसके लिए हमारे फोन फिक्स इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पे MMC हमारी लग गई है और थोड़ा सा बोर्ड को हम यहाँ पे कूल होने देंगे, उसके बाद इसको हम फोल्डर पे लगा के इसके डिस्प्ले में लगाएंगे और उसके बाद उसको हम USB से फ्लैशिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ENG रोम डालेंगे क्योंकि हमें इसका सिक्योरिटी रिपेयर वगैरह करना है, और उसके बाद उसका ड्यूअल नेटवर्क कैसे रिपेयर करेंगे विदाउट एनी रजिस्टर रिमूव। इसके अंदर कोई भी रजिस्टर ड्यूअल सिक्योरिटी के लिए हम कोई भी रजिस्टर का काम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास फाइल मॉडिफिकेशन है और वो फाइल हम सिर्फ हमारे स्टूडेंट को देते हैं। तो ये सारे चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कैसे कर दें। तो थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पे कूल करेंगे हम। तो आते हैं यहाँ पे, हमारा फोन यहाँ पे लगा लेंगे, उसके बाद अब ये फोन डायरेक्टली पोर्ट बनाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी फर्मवेयर नहीं है, ये एक पूरी ब्लैंक EMMC है। तो इसके लिए इसके अंदर कोई फर्मवेयर नहीं है। अब इसको हम डायरेक्टली फ्लैश करेंगे USB से, जो कि हमारा UMT से हम कर लेंगे इसको। तो UMT का QC फायर टूल ओपन कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा QC फायर 8.3 वाला वर्जन ओपन हो गया है, और यहाँ पे डिवाइस मैनेजर भी मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ कि ये पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस मैनेजर भी ओपन हो गया है, और जैसे कि यहाँ पे मैं फ़ोन को कनेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे डायरेक्टली पोर्ट बना रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रोग्राम किया हुआ नहीं है फाइल। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली पोर्ट बनाएगा। अब इसके अंदर नेक्स्ट हम ये करेंगे, जो इसका ENG रोम होता है वो ENG से हम पहले इसको फ्लैश कर लेते हैं। और इसका ENG रोम मेरा ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ MI फ्लैश में हमारी जो Redmi 7A की फाइल है ENG रोम। तो अब देख सकते हैं 7A ENG पाइन, जो हमारा पाइन नंबर से आता है इसका, ये एक्सट्रैक्ट करके हमने ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये फाइल से हम इसको सबसे पहले फ्लैश कर लेंगे। तो फ्लैशिंग करने का वही सेम मेथड होता है जैसे हम नॉर्मली फ्लैशिंग करते हैं, वही हम सेम रो प्रोग्राम 0 को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको फ्लैशिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे रो प्रोग्राम हमने सेलेक्ट कर लिया और पैन 0 को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, और सिंपली और यहाँ पे एक बार ऑटोमेटिक पे भी हटा के इसका फायर हॉज का फाइल हम मैन्युअली दे देंगे। तो अब यहाँ पे हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं फ्लैशिंग। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी लोडर फाइल ले लिया है, और उसके बाद यहाँ पे स्किपिंग ऑथ का जो ऑप्शन आता है और ये भी उसको बाईपास कर लिया, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज इन्फॉर्मेशन आएगा आपको MMC का, जैसे 64 GB बता रहा है, और हमारे यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे मिनिमम 5 मिनट तो लगेंगे जिसमें हमारी पूरी फाइल फ्लैश हो जाएगी, उसके बाद हम आपको फ़ोन ऑन करके दिखाएंगे ये किस कंडीशन में ऑन हो रहा है या हमारा कोई एरर आ रहा है, जो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे लाइव। आप तो जाने के बाद हमारी वेबसाइट के थ्रू आप सारा का सारा कोर्स रिवाइज कर सकते हैं, उसमें हैंड स्किल प्लस सर्किट की नॉलेज दोनों भी, डायग्राम प्लस हैंड स्किल का दोनों के वीडियोस होते हैं, कैसे लाइन को ट्रेस करना है, कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, कैसे IC को रिवॉल्व करना है, सब कुछ बताया जाता है।
और यहाँ पे हमारा देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑपरेशन फिनिश हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे हम फ़ोन को एक बार यहाँ पे देखते हैं बैटरी लगा के। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे Redmi का नाम आ चुका है और इसका सिस्टम हैज़ बीन रिस्टोर्ड जो है वो इसके बाद आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं आएगा क्योंकि उसका मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। और ये जो सॉल्यूशन है हिडन, ये हम इसलिए वीडियो में हम नहीं दिखाएंगे कि इसका सॉल्यूशन, ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये स्किप कर चुका हूँ सॉल्यूशन के लिए। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं आपका Redmi आ गया, उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड नाम से आ रहा है जो कि हमारा ENG रोम में फ़ोन ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली हमारा यहाँ ENG रोम में ऑन हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा फ़ोन ENG रोम में ऑन हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर IMEI जैसे कि देख सकते हैं इसका सिक्योरिटी कुछ भी नहीं होगा, इसके अंदर पूरा क्लीन MMC है, इसके अंदर ना इसका IMEI है ना कुछ है। अगर आपके पास पुराना MMC अगर होता है या उसका कोई उसका IMEI का सिक्योरिटी अगर आपके पास बैकअप है तो आप वो फाइल इसको अंदर रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पुरानी MMC डेड है तो आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते, फिर आपको इसके अंदर पूरा न्यू IMEI नंबर डालना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ENG रोम में ऑन हुआ है और यहाँ पर वही हमारी MMC पे फ़ोन चल रहा है जो कि हमने इसको मार्क किया था। आप देख सकते हैं T यहाँ पे हमने बनाए दिए, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ क्लियर करके। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हमारा जो मार्क है वही हमारा MMC है, जो RPM भी क्लीन वाला MMC इसके अंदर हमने लगा दिया। तो अब यहाँ पे आगे का नेक्स्ट इसका जो IMEI नंबर का जो सिक्योरिटी का काम है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं नहीं है, तो मैं आपको इसका ड्यूल सिक्योरिटी करके मैं ये वीडियो यहाँ पे थोड़ा स्किप करूँगा क्योंकि ये सिक्योरिटी हम नहीं बताएंगे आपको किस तरह रिपेयर करना है। तो जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी हमने इसका ड्यूल नेटवर्क में हमने रिपेयर कर लिया है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे दोनों सिक्योरिटी यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब इसको हम नेक्स्ट नॉर्मल फाइल जो हमारी होती है MIUI वाली फाइल, अब हम इससे इसको फ्लैश कर देंगे। ठीक है, तो फ्लैश करने के लिए इसमें कोई स्पेशल फाइल डालेंगे नहीं, जो हमारी फाइल है उसी को हम फ्लैश कर लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद क्या होता है, इसका NV डाटा इस करप्टेड लिख के आ जाएगा, मतलब क्योंकि क्या है, अब इसके अंदर ड्यूल सिक्योरिटी हमने डाल दी है। ड्यूल सिक्योरिटी डालने के बाद जब हम इसके अंदर नॉर्मल फाइल डालते हैं जो हमारी MIUI ग्लोबल फाइल होती है, हम उसको डालने के बाद जब फ़ोन ऑन होता है तो आपका रिकवरी में चला जाता है और NV डाटा इस करप्टेड आ जाता है। तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है, NV डाटा इस करप्टेड का क्या इशू होता है। कोई लोग बताते हैं कि रजिस्टर से हो जाता है, कोई अलग से बताते हैं कोई फाइल से होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें कोई भी रजिस्टर का मॉडिफिकेशन नहीं है जहाँ पे हमें 100 के डालना है या जिसमें या उसका रजिस्टर निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो उसका हम सिर्फ स्टूडेंट को ही बताएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अभी नॉर्मल फाइल से पहले फ्लैशिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको NV डाटा इस करप्टेड का भी बता दूंगा कि ये एरर आने के बाद कैसे एरर आता है। तो यहाँ पे हम सिंपली फ्लैश कर लेंगे जो कि हमारा नॉर्मल फाइल होता है ग्लोबल वर्जन का। तो यहाँ पे मैं उसकी फ्लैश फाइल आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसकी यहाँ पे फ्लैश फाइल ऑलरेडी हमने एक्सट्रैक्ट करके रखी है डेस्कटॉप पे। ठीक है, इसका जो पाइन वाला वर्जन होता है आप देख सकते हैं ग्लोबल वर्जन इमेज 12 जो MIUI 12 है और एंड्रॉयड वर्जन इसमें 10 है। आप ये फाइल में देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके डेस्कटॉप पे रख लिया हूँ। अब सिंपली यही फाइल को हम फ्लैश कर लेंगे जैसे हमने अभी फ्लैश किए थे। तो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको डेस्कटॉप से फाइल ले लेंगे। तो पाइन हमारा जो है कि Redmi 7 मॉडल है, इसके बाद इसका इमेजेस और यहाँ पे रूट प्रोग्राम 0 को ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे पैच 0 को भी ले लेते हैं और मैन्युअली इसका फायरओएस की फाइल हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमने ये सारी चीजें कर ली हैं और यहाँ पे हम कस्टमाइज में आ जाते हैं और कस्टमाइज में आने के बाद यहाँ पे हम 4 फाइलों को अनटिक कर लेंगे। एक DevCFG फाइल जो कि यहाँ पे 2 बताती है, दोनों को अनटिक कर लेंगे। उसके बाद TZ की 2 फाइलें होती है उसको भी हम अनटिक कर लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं TZ है,
ये दोनों फाइल को हम यहाँ पे अनटिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे फ्लैशिंग को स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फोन को सिंपली कनेक्ट कर देता हूँ ईडीएल मोड में। तो यहाँ पे हमारा वेटिंग फॉर फोन बता रहा है, तो मैं यहाँ पे ईडीएल मोड में कनेक्ट कर लेता हूँ इस फोन को। और जैसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा पोर्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं पोर्ट बन गया है और हमारी यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे फ्लैशिंग होने के लिए 5 मिनट या कुछ मिनट लग जाएंगे, सम टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा वेट करते हैं। इसको फ्लैशिंग होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये फोन ऑन होगा तो यहाँ पे इसके अंदर एक एरर आएगा, एनवी डाटा इज करप्टेड और फोन डायरेक्टली रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो उसका हमारे पास कोई भी रजिस्टर का ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे रजिस्टर निकाल के बताएंगे। इसका हमारे पास कुछ फाइलें हैं जो मॉडिफिकेशन करके हमने ऑलरेडी करके रखे हैं और ये फाइल हम फ्री में देते हैं हमारे स्टूडेंट को, ठीक है, ना कि हम कहीं मार्केट में किसी को भी फ्री में नहीं देते ये फाइलें, ना हम यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। ये फाइल हमारे सिर्फ जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे से सीखना चाह रहे हैं या हमसे सीख के चले गए, उन लोगों के लिए ये हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट होता है और हम उनको फाइलों से या प्रोसेस से हम सारे चीजें हम उनको सपोर्ट के थ्रू से देते हैं सारा चीज, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री में कोई किसी को चीज हम दे नहीं सकते क्योंकि फ्री की वैल्यू सभी को पता है कि जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कोई औकात नहीं होती, फ्री वाली चीज की वो बेकार का काम होता है, ना उससे हम पैसे कमा सकते हैं, मार्केट में पूरा उसका इरेज हो जाता है, पूरा मतलब काम ही बंद हो जाता है। तो इसके लिए मार्केट को हम यहाँ पे डाउन नहीं करेंगे और जिसको सोल्यूशन चाहिए वो हमारा इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, तो हम ये सारे चीजें उन लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे वेट करते हैं, सिस्टम की फाइल राइट हो रही है, थोड़ा सा 5 मिनट्स का इसको टाइम लगेगा, थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे हम स्किप कर लेते हैं। दे रहे सबको भाई, पहले बोल रहा ठग देते वो लोग सबको ठग देते, खाली बोलते यो करो यो करो यो करो। कोई भी इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट चालू फोन नहीं देता, आईफोन पे काम करने के लिए नहीं देता, आईफोन 60-70 हजारों का फोन तुम्हारे हाथ में वर्किंग वाला फोन कोई नहीं देता है। ब्लैक पेस्टेड भी देते हैं तो वर्किंग वाला डबल देकर दिया है, हमारे पास तो खुद तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, जो कि हमारी यहाँ पे ग्लोबल इमेज की फाइल दिख रही है आपकी, वर्जन 2 है, लेटेस्ट वर्जन फाइल से हमने इसको फ्लैश कर दिया है। अब एक बार यहाँ पे हम सिंपली फ़ोन में चेक करते हैं हमारा फ़ोन किस कंडीशन में है। तो जैसे कि यहाँ पे बैटरी लगा लिया और यहाँ पे हमारा रेडमी का लोगो आ चुका है, नीचे आ गया पावर्ड बाय एंड्रॉयड जो कि एंड्रॉयड 12 वर्जन MIUI 12 वर्जन है इसका। अब इसके बाद देखते हैं इसका फ़ोन जो कंडीशन है, ये डायरेक्टली रिकवरी में जाता है, अभी यहाँ पे चार्जिंग का लोगो आ गया, वेट करते हैं, ठीक है, चार्जिंग का लोगो शो कर रहा है। तो यहाँ पे बैटरी 1% बता रहा है, एक बार बैट फोन ऑन करके देख लेते हैं हम। तो जैसे कि यहाँ पे हमने फ़ोन ऑन कर लिए, अब चेक करेंगे यहाँ पे एनवी डाटा इज करप्टेड अगर आता है या नहीं आता है। अगर आ जाए तो मैं इसको सॉल्व करके बताऊँगा, एक फ़ाइल है हमारे पास जिससे हम उसका रिपेयर कर सकते हैं ड्यूअल सिक्योरिटी बिना रजिस्टर निकाले। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ये ऑन होता है या रिकवरी में चले जाके एनवी डाटा इज करप्टेड का एरर आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन रिबूट हो चुका है, ठीक है, उसके लिए तो ये वापस से रिबूट हो चुका है। अब ये बार बार रिबूट होते रहेगा क्योंकि इसके अंदर DOIMEA डालने की वजह से इसका एनवी डाटा इस करप्टेड का इशू आ जाता है जो कि ये रिकवरी मोड में चला जा रहा है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये फ़ोन से फिर से रिबूट हुआ है, उसके बाद ये क्या होगा यहाँ पे आप देखेंगे, नेक्स्ट ये फिर से बंद हो चुका है, फिर से लोगो आया, तो
आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक लोगो जो चार्जिंग का प्लग का बता रहा है, ये एक लोगो हमारा रिकवरी मोड वाला है, बैटरी डाउन होने की वजह से ये आपको रिकवरी मोड का नहीं बताता, जिसमें एनवी डाटा इज करप्टेड का आता है ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोगो आपको इस तरह से शो करेगा, एक बार मैं बैटरी निकाल के फिर से इंसर्ट करके वापस से फिर से ऑन करके दिखाता हूँ कि हो सकता है कि आपको ये रिकवरी मोड बता दे। ये बैटरी डाउन होने के कारण ये लोगो पे अटक जाता है और चार्जिंग लोगो दिखा देता है। तो एक बार देखते हैं, बिना चार्जिंग के मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एनवी डाटा इज करप्टेड लिख के आ रहा है, ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक रिकवरी में चला जा रहा है। ये वही फ़ोन है हमारा रेडमी 7A का जो हमने EMMC चेंज किया हुआ, और यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको EMMC का बता देता हूँ जो हमने यहाँ मार्क किए थे, जूम करके आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टी जो के जो हमने यहाँ पे मार्क किए थे टी का वही EMMC है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एनवी डाटा इस करप्टेड का आ रहा है, जो कि DOLIMI रिपेयर करने के बाद ये आपको एरर आता है। तो कई कई मॉडल में रजिस्टर रिमूव करने से या 100K चेंज करने से हो जाता है, लेकिन हम ये इसके अंदर कोई भी रजिस्टर नहीं डालेंगे, लेकिन हम आपको ये सोल्यूशन भी नहीं बताएंगे कि ये कैसे होता है, क्योंकि ये फ्री में हम नहीं बता सकते किसी को भी। इसके लिए हमारे फ़ोन फिक्स को आप ज्वाइन करो, हमसे इसका पूरा कोर्स कर सीख लो, उसके बाद ही हम आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं। हम आपको फ्री में फाइलें देते हैं सारे टेस्टेड वाले, EMMC चेंज फाइल, QCN फाइल, ये हमारे डम फाइलें होते हैं, तो ये सब हम आपको फ्री में देते हैं, कोई भी इसका चार्ज नहीं लगाते, लेकिन ये हमारे स्टूडेंट के लिए ही है। तो मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा स्किप करूँगा क्योंकि आपको ये चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, इसके होने के बाद मैं आपको बताऊँगा क्या है ये। तो यहाँ पे हमने उसका वो एनवी डाटा का हमने काम कर लिया है, जो हमारे पास फाइल है हमने उसकी डाल दी है। एक बार मैं फिर से आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे एनवी डाटा इस करप्टेड का इशू आता है या नहीं आता है। तो हमने इसकी जो फाइल थी मॉडिफिकेशन करने वाली फाइल, उससे हमारा एनवी डाटा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पहली बार में आपका यहाँ पे रिकवरी में चला जाता है, एनवी डाटा इस करप्टेड शो करेगा। आप बोलेंगे सर ये तो फाइल डालने के बाद क्यों हुआ, लेकिन यहाँ पे पहली बार आपको शो करेगा। नेक्स्ट आपको खाली कुछ नहीं करना है, रिबूट करना है, रिबूट सिस्टम। अब आपको चेक करना है, देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे आपको वापस से रिकवरी में जा रहा है या हमारा फ़ोन MIUI का सेकेंड लोगो आके फ़ोन ऑन होता है, हम यहाँ पे देखेंगे। तो वेट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट लोगो पे अभी है और सेकेंड लोगो पे आता है या नहीं आता एक बार देखते। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सेकेंड लोगो आ चुका है, और इसका मतलब ये है कि हमारा सेकेंड लोगो आने के बाद हमारा फ़ोन ऑन होने लगा है। तो ये आप देख सकते थे पहले एनवी डाटा इस करप्टेड आ रहा था और मैंने इसके अंदर एक फाइल मॉडिफिकेशन डाल के कर दिया हूँ, उसके अंदर कोई भी रजिस्टर मैंने रिमूव नहीं किया, ना कोई मॉडिफिकेशन किया है रजिस्टर में, ये हम विदाउट रजिस्टर में ही हम यहाँ पे सिक्योरिटी ड्यूअल सिक्योरिटी कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सेकंड लोगो आ गया है, अब वेट करते हैं यहाँ पे 5 मिनट्स आपको वेट करना है, क्योंकि पूरा सेटअप ऑन होने के लिए, फर्स्ट टाइम ऑन होने के लिए वो टाइम लेता है। तो वेट करेंगे यहाँ पे, तो जैसे कि अभी भी ये सेकेंड लोगो पे है, थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वेलकम स्क्रीन के होम पे आ चुका है, थोड़ा सा बूटिंग हो रहा है, वेट करेंगे थोड़ा सा। तो जैसे कि मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है कम्प्लीटली, सेकेंड लोगो आ गया था और एनवी डाटा का जो करप्ट आ रहा था वो हमारा भी सॉल्व हो चुका है, वो अभी एरर नहीं आ रहा है। तो वेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे MIUI 12L का वर्जन आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे पूरा सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिक्योरिटी भी बता दूँगा
कि इसमें मैंने वाकई में दोनों सिक्योरिटी रिपेयर किए नहीं किए। और EMMC भी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि EMMC शायद दूसरी डाल दिए, बता रहे कुछ और है और कर रहे कुछ और है, ऐसा भी नहीं है। तो मैं आपको वहाँ पे मार्क बताया था फर्स्ट जो स्टार्टिंग के, इसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ टी बना दिया था, सेम नंबर भी आप देख सकते हैं, EMMC का जो नंबर था 809 और उसके अंदर जो भी नंबर आप पूरा मैच कर सकते हैं स्टार्टिंग से एंड तक। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं किया हमने, EMMC जो थी स्टार्टिंग की वही हमने डाल दी है। और साथ ही साथ हमने इसके अंदर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन MIUI 12 का और ड्यूल नेटवर्क में रिपेयर करके इसको हमने स्टार्ट किया, बिना कोई इसके अंदर मॉडिफिकेशन का, मतलब जो कि रजिस्टर, कोई रजिस्टर निकालना नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सिस्टम हैज़ बीन रिस्टोर्ड का जो इशू आता है उसके अंदर आपको थोड़ा सा काम करना रहता है CPU में, तो वो एक अलग चीज़ है मॉडिफिकेशन का। लेकिन बाकी का जो भी हमारा प्रोसेस था वो हमने उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किए, हमने नॉर्मली जैसे रिपेयर करते वैसे ही उसके अंदर रिपेयर किया हुआ। तो वेट करते हैं, यहाँ पे पूरा सेटअप कंप्लीट आने के बाद हमारा होम स्क्रीन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे सिक्योरिटी भी चेक करवाएंगे आपको। तो जैसे कि यहाँ पे ये हो चुका है हमारा, ये भी कंप्लीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी होम स्क्रीन आ चुकी है। तो पहले तो मैं आपको बेसमेंट चेक करवाता हूँ, बेसमेंट इसमें है या नहीं है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन और ऑल स्पेसिफिकेशंस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसमेंट वर्जन आपका शो कर रहा है, ठीक है। एक बार सिक्योरिटी भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा दोनों नेटवर्क, दोनों यहाँ पे सिम आ चुका है, ड्यूएल IMEI के साथ रिपेयर किया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो जैसे कि मैंने यहाँ रिपेयर किया है, एक बार मैं आपको वही दिखा देता हूँ हमारा जो CPU और EMMC जो था, एक बार मैं आपको वही सेम बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम करके, थोड़ा सा जूम करो, तो यहाँ पे ABCPU का जो CPU हमारा है वो CPU यहाँ पे लगा हुआ है, और साथ ही साथ जो EMMC हमने जो लगाए थे, हमने यहाँ पे मार्क भी किए थे T जो नाम से मैंने यहाँ पे लगाया था, और साथ ही साथ उसका जो पार्ट नंबर है आप वो भी मैच कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं किया हुआ है। जो EMMC हमने स्टार्टिंग में लगाए थे वही EMMC अभी भी इसमें लगा हुआ है, और इसके अंदर मैंने सारे सोल्यूशन करा है, जैसे कि सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड आ जाना, और इसका NV डाटा इस करप्टेड का भी प्रॉब्लम आ जाना, तो ये सारा चीज़ हमने इसके अंदर पूरा नॉर्मल एक फ़ोन की तरह बना दिया इसको। आप देख सकते हैं स्टोरेज भी इसका 464 था, मैं एक बार आपको स्टोरेज भी दिखा देता हूँ, एक बार यहाँ पे स्टोरेज में आके दिखा देंगे स्टोरेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज 4GB रैम है, ठीक है, वही हमने जो रैम डाले थे, और यहाँ पे 64GB का स्टोरेज भी शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे दोनों भी डाल दिए, लेटेस्ट फाइल से भी फ्लैश कर दिए, और यहाँ पे पूरा हमारा ये 7A का EMMC चेंज प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए।